हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इग्नी का 2020 रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है, उसे कैसे चेक करें। तो अब किसी भी ब्राउज़र पे google.com ओपन करें और उस पर सर्च करें इग्नू 2020 IAS पेपर। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक स्पेशल चैनल है जिससे इग्नू से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स, सारी डेट्स इस पर आते हैं। तो मेक श्योर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम किसी भी ब्राउज़र पर इग्नू 2020 IAS पेपर लिख के सर्च करेंगे। IAS पेपर एक ऐसा वेबसाइट है जिससे इग्नू से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस इस वेबसाइट पे आते हैं। तो हम इसे सर्च करेंगे। इसी वेबसाइट को सर्च करना है जो आपको पहला रिजल्ट आ चुका है, इस पर हमको जाना है, जिस पे लिखा है IASpaper.net इग्नू 2020 ओपन मेट MBA। तो हमको इसी पे क्लिक करना है। तो आप इस टैब पे आएंगे तो इस पे लिखा गया है इग्नू 2020 ओपन मेट MBA रिजल्ट डिक्लेयर, जो कि डिक्लेयर हो चुका है। उसको कब डिक्लेयर हुआ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इग्नू 2020 ओपन मेट PhD और MBA का दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29th October 2020, जो कि आज ही के दिन हुआ है। यहाँ पे और भी देख सकते हैं, इससे पहले ये फॉर्म जो आपके सामने आया है उसे भरे, क्योंकि इससे भरने से आपका इग्नू से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स, नोटिफिकेशन, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सब आपके ईमेल पे और कॉन्टेक्ट नंबर पे SMS थ्रू मिलते रहेंगे। इससे आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको SMS आपके ईमेल पे मिलेंगे। तो इसमें आपका फुल नेम लिखें, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हैं, पर्सनल ईमेल आईडी वो लिखें, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर लिखें जो आप पर्सनल यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर जिस पे आप SMS मिले आपको वो लिखें, और यहाँ पे करंट स्टेट लिखें, आप किस स्टेट से रहने वाले। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे गोवा का रहने वाला, तो मैं गोवा लिख देता। आप कहीं के भी हो सकते हैं, आप कहीं के भी वो लिख सकते हैं। आप किस स्टेट से रहते हैं, उस स्टेट में किस सिटी से रहते हैं। तो जैसे मैं गोवा के पणजी का रहता हूँ, आप किसी और सिटी से रह सकते हैं, किसी और स्टेट से रहते हैं, वो डालें। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th है, या आपकी कोई डिप्लोमा हो सकती है, आप PhD हो सकती है, मास्टर डिग्री कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे मैं 12th लिख दिया। और यहाँ पे देखिए आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड है वो लिख दिए। जैसे मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग में या फिर फैशन में जिसमें भी इंटरेस्टेड हूँ वहाँ पे लिख। जैसे अब यहाँ पे BCA कंप्यूटर्स में लिख देता, मैं कंप्यूटर और फ्री गेट काउंसलिंग पे क्लिक कर देता। इससे क्या होगा, आपकी सारी भी नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मेक श्योर करें इसे जरूर फिल करें। तो हम इसे कट कर देते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इतने सुंदर में लिखा है, यहाँ पे इग्नू 2020 ओपन मेट MBA PhD रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड 29th October 2020, जो आज के दिन। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हियर टू चेक रिजल्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक नया टैब खुल चुका है, नया वेब पेज खुल सकता है उसी वेबसाइट का IASpaper.net। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लिखा गया है। तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे इस कॉलम में आपको दिख सकता है MBA रिजल्ट और PhD रिजल्ट दोनों आ चुका है, जो कि आज ही के दिन आया। तो हम इसे चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट। इससे पहले आप ये अगर फॉर्म नहीं भरे तो प्लीज़ भर दे आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप जिस स्टेट से हैं, आप जिस सिटी से, आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड, आप जिस क्वालिफिकेशन में, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो डाल दे, और फ्री गेट फ्री काउंसलिंग क्लिक की कर दे। इससे क्या होगा, आपके सारे नोटिफिकेशन, सारे इंपॉर्टेंट, आपके ईमेल एड्रेस, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं भर चुका हूँ, तो आपको नहीं वापस नहीं भरना है। अगर नहीं भरे तो मेक श्योर करें भर दीजिए, आपको फ़ायदे हैं तो इसमें आप, और ये टोटली फ्री है। यहाँ पे हम मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट और स्कोर कार्ड, यहाँ पे हम क्लिक करते एक नए टैब पे खुलेंगे। इस पे आपका इंटरनेट स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए या फिर इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो आप एप्लीकेशन भरते समय हॉल टिकट में जो आपका नंबर दिया रहेगा, आप उसे वहाँ पर डालें। जैसे मेरा यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ भी एक नंबर ले लेता हूँ जो आपका रहेगा, लेकिन आप वही डालें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ, या आप मेरा डाल दिया। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, जैसे मैं 9 October 2013 लिख दिया। और आपका जो ये यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालना है, अगर आप में नहीं रहे तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन एक बार वापस क्लिक करेंगे तो आपका ये सिक्योरिटी पिन आ जाएगा, जो यही चीज़ डालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता, और जो वर्ड में रहेगा कैपिटल का कैपिटल, स्मॉल का स्मॉल, तो इसमें जैसे मैं वर्ड लिखा है ओ, यहाँ पे सॉरी जीरो लिखा है, 0Y I 486 यहाँ पे डाल के मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने पे आपके सामने
एक नया टैब खुलेगा जो कि अब मेरा इनवैलिड यहाँ पे लिखा हुआ है इनवैलिड आपका वैलिड होगा, तो आप में एक टैब खुलेगा और उसमें आपके रिजल्ट्स सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो।